नमस्कार दोस्तों, आज आ वीडियो में आप एक खूब महत्व प्रश्न जो अपनी चैनल पर बहु पूछवा सॉल्यूशन आप लैने आया छे। घना मित्रों एना प्रोसेस करेली हे एमने खबर हे, परंतु जे बीजा मित्रों से प्रश्न मूके कि सीपीएफ की अंदर जो नाणा है, जयरे आप सीपीएफ प्राण किट आए नंबर आए थे, पहला तो तमारो सीपीएफ नंबर आए त्यार पछी प्राण किट आए थे, अने पूरा पगार में आया बाद घणा ने 6 महीना थई जाय छे ने घणा ने 6 वर्ष पण थई जता होय छे, त्यां सुधी एमनुं पेमेंट कपातुं नथी। दरेक नोकरीनी अंदरनी आपणे वात करीए छीए तो आ जे बाबत छे एमां प्रश्न थाय छे कि जूना नाणा जे छे जे कपात करावा होय तो शुं प्रक्रिया करवी। तो आना माटे आ प्रक्रिया तमारी जे नोडल ऑफिस छे, दाखला तरीके शिक्षक मित्र होय, प्राथमिक शिक्षकनुं उदाहरण आपणे लईए तो एनी ऑफिस जे तालुका प्राथमिक शिक्षणाधिकारीनी कचेरी, एनी अंदर एनु IFMS नु लॉगिन होय छे। बीजी अन्य जे कचेरीओ छे, मेडिकल वाला छे विभाग, आरोग्य अथवा तो अन्य एमनी जे ते कचेरी क्यां लागे छे, क्यांथी एमना पगारनी शाखा छे, पगार ज्यांथी थतो होय त्यांथी सीपीएफना नाणा कपात थता होय, तो आपणे ए कचेरीनो संपर्क करवो पड़े। दाखला तरीके कोई शिक्षक छे, एने पूरा पगारमां आवी गया अने त्यार पछी एमनो सीपीएफ नंबर माटेनी अरजी करे छे, एटले सीपीएफनो नंबर आवे छे, त्यार पछी प्राण किट माटेनी अरजी करे छे तो प्राण किट आवे छे। प्राण किट आवी गया बाद प्रथम वखत ए प्राण किटनो नंबर, ए बधी बाबतो ज्यां जमा करावानुं थाय छे आपणे टपाल साथे कि भाई मारो आ प्राण नंबर छे, एमां सीपीएफना नाणा हवेथी कपात करजो, तो ए प्रक्रिया शुरू थाय एक वखत तमारा खातामांथी नाणा कपात शुरू थई जवी जोईए, तो ज आ आगळनी जे हुं वात करूं छुं प्रोसेस थई शकशे। हवे दाखला तरीके तमारे अगाउना 6 महिनाना नाणा तमारे भरवा छे, तो तमारी जे नोडल ऑफिस में एक एप्लिकेशन आपी देवानी कि मारे अगाउना नाणा भरवा छे, आटला आटला मासना जे पगारे कपात थयेल नथी तो हवे मारे रोकड़ के चेक द्वारा हूँ ये भरवा मांगू छूँ अने ए नाणा मारे भरवा छे, तो एना माटेनुं ऑनलाइन शेड्यूल जे IFMSનું जे एकाउंट होय छे तालुका कचेरीनું के तमारी जे कई ऑफिसनું एमांथी जे त्यां आगळ सीनियर क्लार्क के जे कई कर्मचारीनो हवालो संभाळता होय, कामगीरी करता होय, तो तेओ तमने शेड्यूल आखू काढी आपशे अने वधुमां वधु 6 मासનું एक साथे भरातुं होय छे, तमारे जेटला वर्षनું बाकी होय ए दरेके दरेक शेड्यूल तमारे त्यांथी कढावा पड़े अने ए शेड्यूल कढाव्या पछी चलण तमारे ए तमने चलण आपशे 4 कॉपी में, एक तमारी कॉपी अने एक बैंकनी अने बाकीनी बे पाछी आपणे कचेरी में आपी देवानी थाय छे। तो आ रीते ए चलण जे बनावीने आपशे के आटला रुपया अने आ रकम ए जे ट्रेजरी ऑफिस साथे जे संलग्न बैंक होय, ए अलग अलग बैंको अमुक अमुक जिल्ला प्रमाणे जुदू जुदू होई शके, तमारे ए तपास करी लेवानी, पूछी लेवानुं के कई बैंक में आ चलण अमारे भरवानुं छे। चलण लेवावाळी बैंक दरेक जग्याए होय छे, ए सदर ए लोको लखीने ज आपशे सदर, आपणे अहींया एक तमने कॉपी पण बतावीशुं एक चलणनी, तो एनी अंदर ए चलण भरवानुं होय छे। हवे आमां जे ध्यान राखवानुं जे बाबत छे के ए शेड्यूल जनरेट करशे अने प्रिंट काढीने तमने आपशे, त्यार पछी तमारे ए चलण भरवानुं थाय छे। रोकड़ा पण भरी शको छो अने चेकथी पण भरी शको छो, चेकथी भरशो तो तमारे ए ज्यारे चेक क्लियर थाय ते दिवसथी तमारुं एमां गणतरी थशे अने मिनिमम एक हप्तो तमारो कपाय त्यार पछी तमे आ अरजी आपी शको छो। धारो कि तमे पूरा पगारमां आवे ने तमारो पहेला महिने हजु सुधी कपात ज नथी थई ने तमे आ अरजी आपी शकता नथी, एटले तमारी प्राण किट आवी जाए અને એની અંદરથી એક પગારમાંથી કપાત થઈ જાય ત્યાર પછી તમે આ એપ્લિકેશન તમારી કચેરીમાં આપો અને અમારું શેડ્યુલ બનાવી આપો, જેથી કરીને અમે બેંકની અંદર આ ચલણ ભરી શકીએ। એટલે સીપીએફની અંદર જે NPSની અંદર નાણાં રોકવાની બાબત છે, એમાં ઘણા મિત્રો કાયમ પૂછે છે જૂના વખતના નાણાં ભરવા માટેની પ્રક્રિયા શું છે, તો એની આ પ્રક્રિયા છે IFMSનું લોગિન, એ આપણાથી લોગિન થતું નથી, એ ડાયરેક્ટ તાલુકા કે જે કંઈ કચેરી હોય તમારી નોડલ ઓફિસ એ જ એનું લોગિન કરતા હોય છે અને ત્યાંથી તમારું શિડ્યુલ બનાવીને આપતા હોય છે। એટલે તમારે આના માટે સીધો તમારી કચેરીનો સંપર્ક કરવાનો અને ત્યાં આગળ તમને આ બાબતની જે કંઈ માહિતી આપે, ચલણ બનાવીને આપે, એ ભર્યા પછી એ તમારે આ જે જૂના નાણાં તમારા ભરાઈ જાય અને એની અંદર જે સરકાર 10% ઉમેરે છે એ પણ તમારા અંદર એડ થાય છે। એટલે આ ખૂબ જ મહત્ત્વનું ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત હતી જે આજના વિડીયોમાં આપણે લીધી। આ રીતે તમે કમેન્ટ બોક્સમાં પ્રશ્ન મૂકતા રહેશો તો આપણે એના ઉપર તપાસ કરી, રિસર્ચ કરી અને આપણી ચેનલ ઉપર માહિતી આપવા પ્રયત્ન કરતા રહીશું। થેન્ક યુ વેરી મચ, આપણી ચેનલને શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો।
थैंक यू।